ग्वालियर दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने सरकार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर दौरे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोहन सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सरकार पर षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। ग्वालियर आए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार को घेरते हुए कहा कि 11 साल से लोकायुक्त में बीजेपी के मंत्रियों और उसके समर्थक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की फाइलों के प्रतिवेदन दबे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा है। यही नहीं, सरकार श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव षड्यंत्र करके जीतना चाहती है। विरासत का म्यूजियम पे ताला लगा हुआ, गुजरात की कंपनी ने ताला लगा रखा है। तो बीडी शर्मा बताए कि शहरियों के म्यूजियम को, उनके संग्रहालय को रोकने वाली भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस है? शहरियों को अगर घास की रोटी खाना पड़ रही है, क्यों? अगर शहरियों को वहां पे विस्थापन हो वहां के आदिवासियों को, तो 20 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा बताए? बीडी शर्मा, कांग्रेस ने हमेशा, चाहे एसटी एससी हो, उनको हमेशा आरक्षण की बात करी। कांग्रेस ने हमेशा उनको मुख्य धारा में लाने की बात करी। निश्चित तौर से मैं समझ सकता हूँ कि अगर 20 साल में अगर विजयपुर में विकास नहीं हुआ, उस क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे जवाबदार है। मैं कहना देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, सबका साथ था अलग बात है, लेकिन किसने शोषण किया आप जानते। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने सरकार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।